क्या नाम है भाई साहब आपका? जी मेरा नाम दीपक शाह है। यार लॉकडाउन में भी आप घूम रहे हैं? हाँ क्या करें, गरीबी एक ऐसा चीज़ है जो अगर रोज़ काम नहीं किया जाए तो खुश शायद नहीं रह पाया जाएगा। क्या करते हैं आप? फिलहाल हम अपना मसाला का बिजनेस करते हैं। कैसा मसाला का, कौन सा बिजनेस है ये? मसाला का बिजनेस है छोटा मोटा, जिसमें चना का सत्तू बेसन भी है। घर घर तक जो बंधे हुए मेरे पहले से पुराने ग्राहक हैं उनको हम सेवा करके फिलहाल हम खुश रह पा रहे हैं। कोई भी रोजगार का साधन तो आसान से दिख नहीं रहा है। आप होम डिलीवरी करते हैं सभी चीज़? जी जी सर। देखिए इस लॉकडाउन में भी लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं और ख़ुद के लिए भी काम कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में अपने जान की बाजी लगाकर ये लोगों के घर तक मसाला, सत्तू, ये सारी चीज़ें पहुंचाते हैं और बोल रहे हैं कि हम खुश रहते हैं। ये अच्छी बात है, खुश रहना भी चाहिए। लॉकडाउन में क्या अभी लॉकडाउन क्या स्थिति है? आप रोड से गुजरते हैं तो किस कैसे कैसे दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है? जी दिक्कत का सामना यही देखने को मिल रहा है कि बेमतलब का पुलिस वाले को आम आदमी के ऊपर वार करना, ये एकदम सरासर गलत है। यहाँ तक कि डायरेक्ट नेता लोग को भी केयर करना पड़ेगा इस विषय में, थोड़ा बाधित करने के लिए कि आम पब्लिक, या वो पतला हो या मोटा हो, गरीब हो या अमीर हो, कोई भी जल्दी न पिटाएं, उनको बात से ही सहूलियत से समझाया जाए, जो इस कदर ना मारा जाए कि वो बीमार हो जाए और वो घर का परेशानी बन जाए। दोस्तों देखिए एक आम इंसान जो कि खुद एक छोटा सा व्यापारी हैं और उनका सोच कितना बड़ा है, ये सही है। लेकिन लॉकडाउन में लोगों को भी नहीं निकलना चाहिए बाहर, लेकिन गरीबी की मार सबसे बड़ी मार होती है। और उस स्थिति में अगर कोई रोड से गुजरता है तो प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि आप उसे समझाएं, उन्हें बताएं सारी चीज़ों के बारे में। और कोई दिक्कत होता है? और दिक्कत तो कुछ नहीं होता है, बस चौक चौराहा पर थोड़ा टॉयलेट नहीं बनता है, कहीं भी पेशाब करने जाने के लिए सोचना पड़ता है। रोड के ऊपर तंदुरुस्त लाइट रहना चाहिए, ये तो सुविधा ये 2021 वर्ष चल रहा है लेकिन अभी तक देखने को चारों ओर नहीं मिल रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं जी? हम धूमनगर कचहरी टोला थाना नौतन जिला पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। वार्ड नंबर मेरा 10 में घर है। आपको सरकार से सुविधाएँ मिलती है? हाँ जी, मिलने को तो मिलता है, प्लस उसमें राशन में 3.5 किलो कटौती हो रही है फिलहाल। माटी तेल का तो दर्शन बीते 8-9 महीना से हो नहीं रहा है 1 लीटर का भी। सरसों तेल का दिया जल रहा है कंटिन्यू घर में, और सुविधा मिलने को तो खास वो नहीं मिल पा रहा है। तो आपका कहना है कि जो राशन मिलता है उसमें कटौती होता है, यानी जो राशन देते हैं वो इसमें अपना कट करके तब लोगों को देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए और उन डीलरों को भी ध्यान रखना चाहिए कि आप कर रहे हैं वो गलत है। और क्या कहेंगे, प्रिय नरेंद्र मोदी जी से यही कहेंगे कि उनके ऊपर तो ढेर सारे लांछन लग रहे हैं लेकिन फिर भी गरीबों का भलाई वो करें और उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान दें। पॉलिटिक्स अपना जो है 99 काम वो तो है ही, लेकिन आम आदमी पर भी ध्यान दे। जो व्हाट्सएप में सुनने में आया था 1 लाख रुपया हर गरीब को मिलेगा, जिसका अकाउंट में 1000-2000 से ज़्यादा अधिक रुपया ना हो उसको, तो उस पर भी कृपया करके ध्यान दें कि ये समय में कम से कम खुशहाली का मौका मिल सके गरीबों को, कुछ दिन का गुजारा मिल सके कुछ रुपया के आधार पर। देखिए एक खुद एक छोटा सा व्यापारी हैं और लोगों के लिए सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि जितने भी गरीब लोग हैं अपने इस राष्ट्र के, उन सभी को एक सहायता मिलना चाहिए, उनको एक मुआवजा मिलना चाहिए। तो दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हो सके तो आपके आसपास के जो भी लोग हैं, चाहे वो कोरोना के बारे में हो या किसी भी समस्या में से अगर जूझ रहे हैं, तो उनका आप सहायता करें, उनसे मुँह नहीं मोड़ें। धन्यवाद।